तो भारत के मून मिशन चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद से ही देश भर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अब हाल ही में इसरो ने एक ट्वीट कर ये जानकारी दी कि चांद पर लैंडर से रोवर निकल गया है और इसी के साथ भारत ने चांद पर अपने कदम जमा लिए हैं। आगे ये भी लिखा गया है कि सारे अपडेट्स जल्द दिए जाएंगे। तो देखिए चंद्रयान 3 के लैंडिंग के बाद से पूरे देश भर में खुशी का माहौल देखने को मिला है और चांद पर चंद्रयान 3 का रोवर भी उतरा है। इसको लेकर के अब इसरो ने ट्वीट किया है। वी हैड वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन यस्टरडे व्हेन विक्रम लैंडर लैंडेड ऑन द मून एज पर द प्लान एट 6:04 PM. This was a 40-day mission that started on 14th of July with a launch from Sriharikota, ending with the surface of the moon yesterday at 6:04 PM. I would say that there was a lot of apprehension that was there before the event. Anxiety was there, though there was confidence, but there was anxiety and apprehension because we had Chandrayaan 2, which fell just short of landing on the moon just last few minutes. And everyone was sort of holding their breath and heartbeat was stopping almost in the control room in the last 10 meters of descent. But it was picture perfect landing that happened, and the whole country erupted with excitement at the moment that this landing happened. Now, this was a very proud moment for ISRO scientists, undoubtedly, for ISRO leadership, ISRO chairman, but for the whole country, because everybody saw in it the technical power that India has, at least in the space sector. तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। अमित शाह ने कहा, हमारे वैज्ञानिकों को इस मिशन को ऐतिहासिक सफलता बनाने के लिए धन्यवाद। तो ये ऐतिहासिक उपलब्धि न केवल भारतीय प्रतिभा की शक्ति का प्रमाण है, बल्कि ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए भारत की यात्रा की शुरुआत है। सबके लिए गौरव का दिन है। चंद्रयान 3 तय किए हुए समय पर, तय की हुई जगह पर सफलता के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा है। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो देश के सभी 140 करोड़ लोगों को बहुत बहुत मन से बधाई देना चाहता हूं कि आजादी के अमृतकाल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सब के लिए गौरव का विषय है। इसके साथ अथक मेहनत और बहुत बारीकी से प्लानिंग कर चंद्रयान को सफल करने वाली टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।